नेक्स्ट आपका है, अगर मैं यूडीपी का इंट्रोडक्शन दूं, तो यूडीपी को मैंने आपको बताया था क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, जो कि ज़्यादातर जो सूट किया जाता है वो टीसीपीआईपी प्रोटोकॉल सूट किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इन टीसीपीआईपी प्रोटोकॉल सूट, और सेकेंड में आपको ये बता रहा है यूडीपी प्रोटोकॉल्स इजाज़त देता है आपके कंप्यूटर्स में एप्लीकेशन को इजाज़त देता है कि वो कैसे सेंड की जाती है और रिसीव डाटाग्राम कैसे की जाती है। क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले टर्मिनोलॉजीज में बताया कि आईपी एड्रेसेस में आपने मशीन टू मशीन टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करती हैं, और जब से कि आप यूडीपी में आप एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यूडीपी प्रोटोकॉल जो है एप्लीकेशंस को इजाज़त देता है कंप्यूटर में कि आप डाटा सेंड करें और सेव करें डाटाग्राम में जो भी आपने मैसेज कन्वे करना है। यूडीपी बेसिकली पैकेट फॉर्मेट को इस्तेमाल करता है, ठीक है। और यूडीपी यूजेस बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विसेज देता है, और क्योंकि एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन जब आपका काम हो रहा हो तो उसमें इसकी सर्विसेज जो होती हैं बहुत बेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि आप गहराई में डीप जाकर उसकी स्टडी कर रहे होते हैं, तो डीप जाके जब उसकी स्टडी की जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्राइटेरिया आ जाती हैं जिसको मीट करना बहुत ज़रूरी होता है।